हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो नाइस टू सी सो मेनी ऑफ यू फॉर दिस क्लास टुडे। तो आई थिंक आप सबके स्कूल एग्जाम्स भी चल रहे हैं बच्चों अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या अभी नहीं है? दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14 सितंबर। ओके तो बच्चों, वेरी वेरी ब्रीफली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑफ कोर्स आप सबको पता है, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली आपसे शेयर करूंगा कि जो एनटीएससी स्टेज वन का पेपर है उसमें फिजिक्स में बच्चों आपको पता है कि देर आर 13 क्वेश्चंस, राइट? तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 200, उनमें उसके हिसाब से जो इसकी वेटेज है वो बहुत थोड़ी सी है, ठीक है? तो वी विल बी हैविंग टू सेशंस ऑफ फिजिक्स, जिसमें कि आज वाले सेशन में हम 11th वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो अगला सेशन होगा उसमें हम 12th वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रैश कोर्स, सो वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एट अ वेरी वेरी हाई पेस, ठीक है? आपको बच्चों जहां पर भी कोई डिफिकल्टी लगे प्लीज चैट में लिख दो या फिर अनम्यूट करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड I will assume कि थोड़ा बहुत आपको जो
याद है वो चीजें हम मतलब मैं अज्यूम करके चलूंगा बिल्कुल बेसिक्स, अगर कहीं पर भी आप अटकते हो कुछ नहीं याद तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। तो आज का बच्चों जो अपना प्लान है, जो क्लास 11th के टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, दोज आर दीज फोर टॉपिक्स, मोशन, फोर्स, वर्क एंड साउंड। इन चार चैप्टर्स में से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी के अंदर, ठीक है। अगर हम ब्रॉडली पैटर्न सोचें, मतलब वेटेज सोचें बच्चों, तो नियरली इक्वल वेटेज रहती है कि जितने क्वेश्चंस 11th से आते हैं उतने 12th से आते हैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जैसे 11th से 6 आ गए, 12th से 7 आ गए, इतना, बट नियरली इतना तो होता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर मोशन। इस चैप्टर के अंदर बच्चों, मोशन के अंदर हम कुछ जस्ट अ मिनट बच्चों, हाँ जी बच्चों, ओके, तो लेट्स सी बच्चों मोशन के अंदर हमें क्या चीजें कवर करनी है। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या एनटीएससी का पेपर क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से नहीं आता। सी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारा पेपर एनटीएससी से ही आना है, ठीक है, बट हाँ चैप्टर्स वही हैं जो आपके ब्रॉडली स्कूल में आते हैं, तो वही वाले चैप्टर्स हैं, तो आप उसको चाहे एनसीईआरटी मानो चाहे कुछ भी मानो, इट डजंट मैटर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें नहीं, वेक्टर्स कवर नहीं होगा और वेक्टर्स आता भी नहीं है एनटीएससी में। वेक्टर्स हो गया या मेजरमेंट्स हो गया, ये इन चैप्टर से नहीं आते क्वेश्चंस, ठीक है। हम 9th and 10th के टॉपिक्स करेंगे, राइट, जो एनटीएससी में आते हैं, और प्रेजेंटली हम बात कर रहे हैं मोशन चैप्टर की, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। हमें जो 11th के चार मेन चैप्टर्स करने हैं बच्चों, वो ये हैं, मोशन, फोर्स, वर्क एंड साउंड, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले बच्चों वी नीड टू नो अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक बॉडी बच्चों मूव करती है, मान लो बॉडी एक
ए पॉइंट से किसी पॉइंट बी तक जा रही है, तो देयर कैन बी टू वेज. एक तो है कि वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चली गई, ठीक है, नॉट टू, आइडली देयर आर इनफाइनाइट वेज. तो मतलब एक उनमें से एक वे तो हो गया कि जैसे बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली गई, ठीक है. बच्चों एक बार मुझे सोचकर बताओ, ये जो मैंने अभी फिलहाल रास्ता दिखाया है, क्या इससे छोटा रूट हो सकता है एक बॉडी का किसी भी तरीके से ए से बी पहुंचने का? नो सर. नो सर. राइट. और इसके अलावा अगर हम कोई भी दूसरा रूट फॉलो करते हैं, ठीक है, चाहे वो ऐसे हुआ, चाहे ऐसे हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, ठीक है, उनमें से एक रूट होगा सबसे छोटा. जो बच्चों स्मॉलेस्ट होता है उसको हम कहते हैं एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और जो एक्चुअल होता है, जो उसने पाथ फॉलो किया है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस. अब इस बात को ध्यान से समझो बच्चों. मान लो मैंने ए से बी इस तरीके से ट्रैवल किया, यस, यू शुड मेक नोट्स बच्चों. मान लो मैंने 4 meters राइट को कवर किया और 3 meters ऊपर को कवर किया, ठीक है. तो बच्चों मैंने टोटल कितना ट्रैवल किया है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, जो असली में ट्रैवल किया. ये कितना हुआ इस फिगर को देख के बताओ मुझे. 7 meters. राइट. अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, ठीक है, 5 meters. अब जो बहुत बार ये डाउट आ जाता है कि सर हमने तो इस वाले रूट से ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है, तो आपने अपने माइंड में बच्चों इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना है कि आपने वो रूट से ट्रैवल किया है या नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता. डिस्प्लेसमेंट तो बस ये बता रही है कि हाँ शॉर्टेस्ट रूट था कौन सा. ऐसा भी हो सकता है असली में वैसा रास्ता हो ही ना, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता. डिस्प्लेसमेंट तो बता रही है कि अगर आप पॉसिबली बना सकते होते तो ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या हो, ठीक है. तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात हमने समझनी है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है. तो हमेशा डिस्टेंस के लिए आपने जो उसने टोटल पाथ ट्रैवल किया, एक्चुअली में जो पाथ ट्रैवल किया वो देखना है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों आपने उसका जो सबसे छोटा पाथ बनता है वो देखना, ठीक है. इस कंसेप्ट में बच्चों कोई भी कंफ्यूजन किसी को? नो सर. नो सर. तो वेरी सिंपल कंसेप्ट, बट बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की. बच्चों जो स्पीड होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है इंस्टेंटेनियस. जो बच्चों आप जनरली स्पीड का फॉर्मूला माइंड में रखते हो, है ना, हमारे माइंड में स्पीड से सीधा एक ही फॉर्मूला माइंड में आता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. कोई मुझे बता सकता है बच्चों कि वो जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज का होता है या इंस्टेंटेनियस का होता है? इंस्टेंटेनियस. तो आई कुड सी कुछ लोगों को इसमें डाउट है, एग्जैक्टली इसीलिए हम ये कर रहे हैं बच्चों. तो वो फॉर्मूला होता है एवरेज का, ठीक है. जब आप कहते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बच्चों एवरेज स्पीड का होता है. हमारी बुक्स में जनरली उसको सिर्फ स्पीड लिख के छोड़ा होता है, बट लेट्स रिमेम्बर कि दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है. इंस्टेंटेनियस स्पीड का बच्चों हमारे लेवल पे फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है. हम उसको सिर्फ फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड एट
अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब जब आपने बॉडी को देखा उस इंस्टेंट पर बॉडी की क्या स्पीड थी, ठीक है? आप ये बात सोच सकते हो ना कि जब आपने उसको देखा, आपने तो बस उसको मतलब जस्ट एक इंस्टेंट के लिए देखा, एक मोमेंट के लिए देखा, है ना? तो आप कहां से उसका डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हो या कितना टाइम से वो ट्रैवल कर रही है वो निकाल सकते हो, है ना? तो उसके लिए बच्चों एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैथ्स होती है विच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, वो आपकी क्लास 11th में आएगी, ठीक है? अभी आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई स्पीड दो तरीके की होती है, ठीक है? और उनमें से भी जो एवरेज स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का प्रेजेंटली आपको फॉर्मूला नहीं पता, हाँ आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? आप ये समझ आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या है, कि भाई जब आपने किसी इंस्टेंट पे देखा एक बॉडी को तब उसकी क्या स्पीड थी, ठीक है? इसके हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं बच्चों, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेट्स से बच्चों आप कहते हो कि आप पटियाला से चंडीगढ़ गए और आपने पटियाला से चंडीगढ़ जाते हुए 60 की स्पीड से ट्रैवल किया, तो वो 60 बच्चों एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा? सभी आंसर करो चैट में। एवरेज एवरेज यस, वो 60 एवरेज होगा। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो कुछ एक ड्यूरेशन के लिए है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक झटके में पहुंच जाओगे चंडीगढ़ से पटियाला से चंडीगढ़। तो जो कुछ एक थोड़े से टाइम के लिए होता है उसको हम कहते हैं एज एवरेज, ठीक है? और वो कैसे निकला होगा कि रफली आपने, आपको पता है कि हाँ जी डिस्टेंस इतना है, जितना भी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर आपने उसको उस टोटल ड्यूरेशन से डिवाइड कर दिया, ठीक है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। आप बाइक पे जा रहे थे कहीं पे और एक पुलिस वाले ने आपको रोक के आपका ओवर स्पीडिंग का चलान कर दिया, तो जो ओवर स्पीडिंग का चलान होगा वो एवरेज स्पीड के बेसिस पे होगा या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बेसिस पे होगा? इंस्टेंटेनियस, राइट? आप पुलिस वाले को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पता नहीं कहां से तो आ रहा था, वहां से टोटल डिस्टेंस लेके उसको टोटल टाइम से डिवाइड करके हम निकालेंगे, है ना? पुलिस वाला क्या कहेगा? पुलिस वाला ये कहेगा कि भाई जब मैंने देखा तब इतनी स्पीड थी आपकी, राइट? तब आप 100 से चला रहे थे, उससे पहले आपकी क्या स्पीड थी, उससे बाद में आपकी क्या स्पीड होने वाली थी, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है? जब मैंने देखा तब आपकी ये स्पीड थी, तो इसलिए वो क्या हुआ, जब उसने देखा मतलब एक इंस्टेंट की स्पीड, राइट? तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, वन इज एवरेज, अदर इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसमें बच्चों जब हम एवरेज लेंगे तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? और इंस्टेंटेनियस का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। अब यहां पे बच्चों एक बात हमें जो समझनी है वेलोसिटी के केस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो बच्चों, आप सबको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? सर विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है direction. और डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है, दिस इज सेम एज इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इनके तो मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। क्लियरली एक क्वांटिटी आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और एक क्वांटिटी है आपकी जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है एवरेज वाली वैल्यूज का, ठीक है। लेकिन बच्चों जो इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यूज हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उन दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं। तो भाई अगर वैल्यूज सेम आती हैं तो फिर फर्क क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, कोई मुझे बता सकता है? डायरेक्शन का सर। हाँ, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देती है वो डायरेक्शन की देती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, वही पुलिस वाला एग्जांपल, जब हमारा ओवर स्पीडिंग का चलान हो रहा था, तो अगर ऑल्दो पुलिस वाले को आपकी वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर अ मिनट उसको समझने के लिए, अगर हमने वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी होती तो हम क्या बोल रहे होते कि भाई हाँ हम 100 की स्पीड से लेफ्ट को जा रहे हैं या 100 की स्पीड से राइट को जा रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं या वट एवर, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर वो डायरेक्शन की आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड के अलावा, ठीक है। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, एक्स्ट्रा डायरेक्शन आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होती है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है बच्चों? यस सर, यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एवरेज, देखो एवरेज वेलोसिटी जो है, ओके, मेरे पास एक डाउट आया कि क्या एवरेज वेलोसिटी की भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है? यस, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो सही, बट उनका स्पीड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का रिलेशन है, इंस्टेंटेनियस का रिलेशन नहीं है। शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, इंस्टेंटेनियस का रिलेशन है, एवरेज का रिलेशन नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों होता है? बिकॉज एक छोटे से इंस्टेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आ पाता, ठीक है। तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन आती है वो डायरेक्शन की ही आ पाती है हमारे पास। हाँ, न्यूमेरिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम न्यूमेरिकली, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो डायरेक्शन आ रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो तो डायरेक्शन बताती ही नहीं है ना, सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो हमें डायरेक्शन बताती है। अच्छा बच्चों, एक आई हैव अ रिक्वेस्ट, अपने माइक प्लीज म्यूट पे कर लो, वो डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है जी, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी लेता हूँ बच्चों, उससे आपको और बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे लेट अस से मैं एक कार दिखाता हूँ जो ऐसे जा रही है और एक कार मैंने दिखाई जो ऐसे जा रही है। लेफ्ट वाले केस में बच्चों आप स्पीड क्या बोलोगे? राइट वाले केस में स्पीड क्या बोलोगे? सेम ही रहेगी। लेफ्ट और मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलोगे?
So five. Five towards right. Five towards right. ठीक है, या जिसको हम सिर्फ प्लस फाइव भी बोल देते हैं. लेफ्ट वाले राइट वाले केस में बचो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलेंगे, या तो फाइव टुवर्ड लेफ्ट या फिर माइनस फाइव. तो आप समझ रहे हो कि जो नंबर है या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक्स्ट्रा क्या जाता है बच्चों, डायरेक्शन. क्या बच्चों? यस सर. ठीक है, फिर से सुनो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक्स्ट्रा क्या आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड के मुकाबले, वो है डायरेक्शन. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें डायरेक्शन नहीं बताती, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो हमें साथ में डायरेक्शन भी बता देती. ओके, अब बच्चों जो एक्सेलरेशन होती है जस्ट लाइक द अदर टू क्वांटिटीज विच वी स्टडीड, एक्सेलरेशन भी दो तरीके की होती है, एक है एवरेज और एक है इंस्टेंटेनियस. ठीक है, तो जो हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या वी माइनस यू अपॉन टी, प्लीज रिमेंबर बच्चों वो एवरेज एक्सेलरेशन हो. मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं वो सारे बच्चों एवरेज वाले ही होते हैं. ओके, बच्चों मुझे कौन बता सकता है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. नो सर, ऑपोजिट ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. No. Kushal, ठीक है. Direction of change in velocity. So yes. In the case if u is bigger than v, then we can say about the sign. हाँ, मतलब all that we can say is जो direction होती है that is along change in velocity. ठीक है. It is not same as velocity, it is same as change in velocity. हाँ, force वाली तो होती है, but कई बार आपको force नहीं पूछी होती, मतलब options जो होंगी वो force की terms में नहीं होंगी, वो velocity की terms में ही होंगी. तो velocity की terms में आपको पता होना चाहिए कि वो along change है. ठीक है जी. हाँ बच्चों, इस पेज पे कोई भी डाउट? नो सर. यस, देयर इज समथिंग नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आल्सो, बट अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है, अभी आपको हर जगह पे एवरेज एक्सेलरेशन ही यूज करनी होगी. ओके, नेक्स्ट बच्चों एक्सेलरेशन में आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन.
ये जो बच्चों तीन इक्वेशंस होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। इन इक्वेशंस को याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको ये पता होना जो मैं अभी पूछूंगा आपसे, मुझे आंसर करके बताओ बच्चों यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आप कहते हो यू को एज इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? जब उसने चलना शुरू किया जब हम उसको कहते हैं ना एज इनिशियल वेलोसिटी है ना, उससे ऐसा लगता है, और ऐसा आपने देखो अभी आपने से कुछ लोगों ने बोला भी कि जब उसने चलना शुरू किया, बच्चों जब एक बॉडी चलना शुरू करती है उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होती है? वो तो जीरो ही होती है। हर बॉडी जब चलना शुरू करेगी वो तो जीरो से ही स्टार्ट करेगी ना। तो आपने बच्चों कभी भी उसको ऐसे नहीं याद रखना कि u is initial velocity, this is very very misleading, ठीक है? इससे गलती होती है। इसका मतलब होता है वेलोसिटी एट इनिशियल ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आपने उसको पहले देखा, ठीक है? हो सकता है आपने जब उसको पहले देखा हो तब उसने चलना शुरू ही किया हो सकता है आपने उसको थोड़ी देर बाद देखा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू वही होता है जब आपने उसको देखना शुरू किया। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? यस सर। और सिमिलरली वी होता है वेलोसिटी एट फाइनल ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आपने उसको देखना बंद किया, या जब आपने उसको बाद में देखा, ठीक है? तो इसका बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, उससे एकदम बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो हम किसी फाटक पे खड़े हैं ट्रेन की वेट कर रहे हैं, ठीक है? जब मतलब क्या आपको पता होता है कि वो ट्रेन कहाँ से आ रही है, कितने बजे चली थी, एंड ऑल दैट? मोस्टली नो है ना। तो अब जब आपको ट्रेन दिखनी शुरू हुई तब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और आप उसको कंटिन्यूअसली देख रहे हो, एंड इमेजिन करो कि थोड़ी छोटी ट्रेन ही है तो आपने उसको एंड तक देखा जब तक दिख सकती थी वो, उसके बाद आप फाटक खोल गया और आप चले गए, ठीक है? तो ना तो भाई हमें ये पता था कि ट्रेन पहले कहां से आई है, ना हमें ये पता है कि ट्रेन कहां जाएगी, ठीक है? जो कि इनिशियल और फाइनल वाले वर्ड से लगता है। भाई हमारे लिए इनिशियल का क्या मतलब है? कि जब हमने देखना शुरू किया तब क्या वेलोसिटी थी, राइट? फाइनल का क्या मतलब है? जब हमने देखना बंद किया तब क्या वेलोसिटी थी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? सिमिलरली yes, yes, जो बच्चों टी होता है वो क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। यस, या ऐसे कह लो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी देर के लिए आप देख रहे थे, ठीक है? बच्चों क्या आप एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ पा रहे हो कि ये जितनी देर के लिए आपने देखा और जितनी देर के लिए बॉडी ने असली में मूव किया वो तो अलग हो सकते हैं ना भाई। फाटक पे ट्रेन को तो आपने हो सकता है एक मिनट के लिए देखा हो और वो चल तो हो सकता है टोटल चार घंटे पांच घंटे रही हो, तो आपको उससे मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता है कि जितनी देर के लिए आपने देखा है। ए क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन।
और s क्या होते हैं? Displacement or distance. Distance या displacement बच्चों? Displacement. 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 तो s बच्चों displacement होता है. Please remember this. और अगेन कौन सी डिस्प्लेसमेंट? जितनी देर आपने ऑब्जर्व किया उस देर में जो हुई. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों इस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए वो ये है कि इन इक्वेशंस को आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट. सर यस हाँ जी बोलो. Somebody was asking something, I think. सर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला एक्सेलरेशन मोशन में ला सकते हैं? ना मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए लगा सकते हो. अगर सर एक्सेलरेटेड मोशन है फिर भी लगा सकते हो. कोई भी किसी भी टाइप की मोशन हो अगर आप उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दोगे तो वो आपको एवरेज स्पीड दे देगा. ठीक है जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी जो दिया था वो चंडीगढ़ पटियाला वाला, उसमें तो बहुत बार ऐसा होगा कि हम कभी एक्सेलरेट कर रहे होंगे कभी ब्रेक मार रहे होंगे हम या कुछ कर रहे होंगे, तो वहां पे आप एवरेज तो निकाल ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या याद रखने की ट्रिक? ये तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे. देयर इज नो सच ट्रिक अनफॉर्चुनेटली. सर वी नीड टू रन द फोर्थ इक्वेशन आल्सो. फोर्थ इक्वेशन कभी कभी हम यूज करते हैं. एक्चुअली जो असली में होती हैं वो तीन ही होती हैं. फोर्थ इक्वेशन इज जस्ट डिराइव्ड आउट ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस जिसको हम कहते हैं SN. तो बच्चों ये अप्लाई होती है इसमें. SN का मतलब होता है displacement in nth second. कि मतलब कोई एक particular second की displacement. जैसे अगर मान लो आपको निकालना है कि मतलब जब आपने observe किया, ठीक है, आपने let's say total 10 seconds के लिए observe किया, तो पांचवें second में कितना body ने move किया, उसके लिए ये result apply होता है. ठीक है. हाँ तो ऐसे में मतलब आपको n कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड. ठीक है तो वही n होता है. तो बहुत ध्यान रखना होता है बच्चों. मतलब ऐसे लिखाओ डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकंड्स वर्सेस ऐसे लिखाओ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड. समझ लो अगर तो ऐसे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इन थ्री सेकंड्स तो कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा? सेकंड वाला. और अगर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड सो देन फोर्थ वन. फिर फोर्थ वाला होगा. ठीक है तो बच्चों बहुत बार मोशंस ऐसी होती हैं अगर हम रियलिटी की बात करें जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती.
ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो भी हमने 3-4 इक्वेशंस लिखी हैं, तो उसके लिए एक ऑल टुगेदर डिफरेंट अप्रोच होती है जिसकी अगेन फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। हमारे को हमारे लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसमें तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट ही होगी, ठीक है। बट हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई मान लो आपको उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जहां एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या वहां पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, राइट? इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बच्चों, हाँ और कोई डाउट बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं ग्राफ्स की, ठीक है। हम बच्चों तीन टाइप्स के ग्राफ बनाते हैं। एक होता है ऐसे एसटी ग्राफ, एक होता है वीटी ग्राफ और एक होता है एटी ग्राफ, ठीक है। इन सारे ग्राफ से बच्चों हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं? एसटी ग्राफ की स्लोप से बच्चों हमारे पास वेलोसिटी आती है, वीटी ग्राफ की स्लोप से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है, सॉरी वीटी ग्राफ की स्लोप से हमारे पास एक्सेलरेशन आती है, वीटी ग्राफ के एरिया से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है। एटी ग्राफ के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी आता है, ना कि वेलोसिटी, ठीक है। एंड बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एरिया लेते हो तो जो टी एक्सिस के नीचे वाला आपका एरिया है उसको नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। अगर आपका कोई एरिया ऐसा बन रहा हो जो टी एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे जैसे बच्चों आपका ये वीटी ग्राफ है लाइक दिस, मान लो ये पॉइंट टू है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये नीचे वाला पॉइंट माइनस वन। इस केस में बच्चों व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 3 seconds? ध्यान से आंसर करना और एक ये वाली जो वैल्यू है ये वन है। आर्यन मुझे समझ नहीं आया आपका आंसर, आंसर तो एक ही आएगा। सर आंसर टू है। चलो निकालो बच्चों फटाफट, मैं बता रहा हूँ अभी टू आंसर है। सबर रखो बता रहा हूँ मैं। सर फोर माय आंसर। चैट में लिखो, चैट में लिखो आंसर। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि एक वीटी ग्राफ है और आपको पूछी गई डिस्प्लेसमेंट है, तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा जो यहाँ थर्ड कंसेप्ट लिखा हुआ है कि एरिया लेना है हमें,
ठीक है जी। तो अब एरिया अगर हम देखें बच्चों, तो यहां पे तीन ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला ब्लॉक, एक जो नीचे बन रहा है ब्लॉक वो, और एक ऊपर वाला। जो बच्चों सबसे लेफ्ट वाला ब्लॉक है, इसका एरिया कितना है? रेक्टेंगल है, 2 × 1 2, इसका एरिया 2 2, ठीक है। जो अगला ब्लॉक बन रहा है वन, इसका एरिया -1 लिख, जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ कि एरिया अंडर जो टी एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव लिखना है। ओके सर। और ऐसे ही जो थर्ड ब्लॉक है उसका एरिया 1 है, ठीक है बच्चों। तो जैसे आप में से जिन लोगों ने आंसर 4 दिया, वो किस हिसाब से दिया? कि भाई आपने 2 + 1 + 1 कर दिया, ठीक है। yes. बट वो नहीं करना, हमें नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लेना था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया? 2 − 1 + 1, जो कि 2 ही बन गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 2 आएगा। सर स्लोप ऑफ 80 ग्राफ क्या रहता है? स्लोप ऑफ 80 ग्राफ एक क्वांटिटी होती है, जर्क वो देता है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। एक बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करो। अगर बच्चों मैं नीचे वाले एरिया को पॉजिटिव मान लेता तो मेरा आंसर क्या आता? डबल 4। तो टोटल आंसर 4 आता है ना? यस सर। तो कि अगर एरिया बिलो टी एक्सिस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिव ना मान के पॉजिटिव मानते हो, तो बच्चों ये सबको समझ आ रहा है कि इसके इसमें आंसर 4 आता। तो ये बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस केस में फिर जो आपका आंसर आएगा वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो मतलब बच्चों जो बात समझनी है, जो बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर तो आप नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और अगर आप नीचे वाले एरिया को पॉजिटिव लोगे तो डिस्टेंस आएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों सबको? Yes, sir. ओके एक बात बच्चों मुझे और बताओ, इसी ग्राफ से व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स? हाँ अर्णव, गुड। तांशु ये क्या लिख रहे हो? √10। यस, इसका आंसर बच्चों 0 आएगा। रीजन बीइंग, अगर आप देखो कि t इक्वल टू जो हमने टाइम लिया है बच्चों 0.5, इसके अंदर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हर टाइम पे 2 है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ही है बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 ही होगी, है ना। एक्सेलरेशन तो आती ही तब है बच्चों जब वेलोसिटी चेंज करती है, isn't it? बच्चों बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir.
ओके चलो बच्चों, अब हमने कुछ तीन क्वेश्चंस करने हैं इस जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये मोशन चैप्टर का जो क्रक्स है। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अब हम क्वेश्चंस करना शुरू करने लगे। जो एनटीएससी टेस्ट में सर सिंपली क्वेश्चन आएंगे सर, जैसे आप करा रहे हो एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन एट आफ्टर 2 सेकंड्स, हाउ टू कैलकुलेट इट फ्रॉम द ग्राफ, एट व्हाट टाइम सर? 2 सेकंड्स एग्जैक्टली, एट 2 सेकंड्स। यस सर, लाइक यू आस्क्ड इन द क्वेश्चन नाउ ना, 0.5 सेकंड्स। हां हां, राइट राइट। So what would be acceleration? Total 2.5 also. 2.5 also. Yes. पहले तो मैं बच्चों यही सिखा देता हूँ कि जैसे ये वाला जो है ये आपने कैसे निकालना था, अगर बाई चांस किसी को ना समझ आया हो तो देखो आप क्या करोगे बच्चों, एक्सेलरेशन का हमने एक फॉर्मूला लिखा था वी माइनस यू बाई टी, ठीक है? तो जिस लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा था हम उस लाइन के ऊपर वी माइनस यू बाई टी लगा देंगे, ठीक है? तो ये लाइन कौन सी है बच्चों? ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लू कलर की। तो इस लाइन की फाइनल वेलोसिटी, मतलब इसके बिल्कुल एंड में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? 2। इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी? 2। और ये लाइन कितने टाइम के लिए है? वो है 1। बट खैर न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो ये आंसर बन गया 0। क्या ये समझ आया सबको कि मैंने कैसे निकाला? यस सर। यस सर। इसके लिए आपको आप ये बात ही पता चल रही होगी बच्चों कि 0.5 की जगह 0.6 होता, 0.7 होता, 0.2 होता, उन सब के लिए भी आंसर हमारा सेम ही आता क्योंकि उन सब के लिए वैल्यूज तो यही डालनी थी, यही सेम लाइन है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं 2.5 लेता बच्चों तो उसमें बस 2-2 की जगह 1-1 डल जाता तो उसका भी आंसर 0 ही आता, ठीक है? अगर अब हम लेते पॉइंट बच्चों 2, तो इस पॉइंट पे बच्चों हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पॉइंट पे ग्राफ क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रही है, वेलोसिटी हमारी -1 से +1 हो रही है, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इस लाइन के लिए अगर मैं ये वाली ब्लू लाइन लिखूं, आप इस लाइन के लिए टाइम नहीं लिख सकते, इसके लिए टाइम तो 0 ही हो गया ना, तो ऐसा नहीं आपसे पूछा जाएगा कभी भी। ओके सर। जशिका आपको क्लियर हो गया? नॉट येट सर। हमने देखो जो लाइन थी उसके एंड वाली वेलोसिटी और उसके स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी ले ली, बट स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 0 नहीं होगी ना, इस ग्राफ को देखो ना, इस ग्राफ पे तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 2 है, ये ग्राफ कौन सा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? ओके चलो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चंस ट्राई। तो हाँ अब बच्चों आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे और आपने जो आंसर है वो बोलना नहीं है, आपको आपके स्क्रीन पे एक पोल दिख रही होगी, आपको अपने आंसर ए बी सी डी उसमें मार्क करना है, ठीक है? ध्यान से सोच के करना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। सर आई क्लोज इट टू सी द क्वेश्चन, कैन आई ओपन अगेन? अच्छा इज इट, अच्छा वो अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या बच्चों? Sir, it is maneuverable. We can move it. अच्छा, उसको मूव कर दो, स्लाइड कर दो। Sir, I closed the poll.
तो शो इट अगेन नहीं मेरी तरफ से तो वो ऑन ही है आपको ही कहीं से कुछ इनेबल करना पड़ेगा अगर नहीं समझ आ रहा तो चैट में लिख दो कोई दिक्कत नहीं सर मोर ऑप्शन में जाकर पोल वाला बटन सेलेक्ट करेंगे तो फिर से ओपन हो जाएगा वो ठीक है ओके हां भाई जिन्होंने बच्चों कर लिया है वो मुझे चैट के अंदर डिस्टेंस का भी आंसर भेज दो या आर्यन मालिक ने पता नहीं क्या भेजा है अजीब सा हाँ जशिका सर पोल नहीं आ रही मंथन ठीक है मोर के अंदर जाके पोल्स ऑप्शन सेलेक्ट करो कनिका हिमानिश सुमित संचिता ठीक है सरब राज गोपाल ठीक है सर पोल नहीं दिख रही ये ना आपका एक मोर करके दिख रहा होगा कुछ कंट्रोल्स में मोर के अंदर एक पोल्स की ऑप्शन है तो आर्यन जो आपने किया है वो गलत किया है ना डिस्टेंस के लिए थोड़ी वो करते हैं अच्छा नमन ठीक है माधव व्योमेश लक्ष अरलीन ठीक है चलो बच्चों फटाफट करो आर्यन ठीक है सुशल ठीक है सर यस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एरिया वो तो कुछ नहीं देता ना वो कुछ नहीं देता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देगा ओके बच्चों लास्ट 10 सेकंड्स शमीक ठीक है ओके चलो हाँ अर्पित वानी ठीक है तो देखो बच्चों इसमें क्या करना था 6 meters नॉर्थ 8 meters ईस्ट 10 meters वर्टिकली अपवर्ड्स यहाँ पे बच्चों ऑल्दो मैं आप में से काफी लोगों ने ठीक किया है जो मेन बात आपको समझनी थी वो ये थी कि देखो हमें कई बार गलती ये लग जाती है बच्चों कि नॉर्थ और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम सेम मान लेते हैं ठीक है तो लेट्स अंडरस्टैंड नॉर्थ डायरेक्शन होती है आपके सामने वाली तरफ ठीक है तो ये नॉर्थ है ऐसे ईस्ट है और वर्टिकली अपवर्ड होता है ऊपर की तरफ ठीक है प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है बच्चों वो ग्राउंड के ऊपर होती है और जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होती है वो ऐसे हवा में होती है ठीक है नॉर्थ सामने होती है तो इस तरीके का आपका फिगर बनना चाहिए तो इस फिगर में अगर तो भाई डिस्टेंस निकालना होता तो वो तो बहुत आसान था 6 + 8 + 10 24 हो गया
और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो वो बच्चों आप डायगनल बना देते, ठीक है, और क्यूबॉइड का डायगनल क्या बन जाता है, ये 10√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये ट्राई करो, मैं फिर से पोल एनेबल कर रहा हूं। ध्यान से करना, इसमें गलती कर सकते हो। मैंने एक करेक्शन किया है अभी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कौन सा है। देखो फिगर को ध्यान से, देखो मैं नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा ग्राफ है, आपको ऑप्शंस में से देख मतलब फिगर से समझना है कि ये कौन सा ग्राफ है। लिखा हुआ है वहां, देखो एक्सिस के ऊपर। अर्पित मैं ही दिखा दूंगा इस अपोल। मैं एक हिंट दे रहा हूं, चलो इसका आंसर बच्चों डी नहीं है, जो कि आप में से काफी लोगों ने आंसर किया है। ये इग्नोर दिस डीसी। डीसी पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था। बच्चों अगर आपको मतलब क्लास से रिलेटेड किसी भी बात पे कोई मतलब डाउट रह जाता है, तो जो आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, आप उस पे पोस्ट कर सकते हो, आई विल आंसर ओवर देयर। ओके, टाइम अप। मैं रिजल्ट्स दिखा देता हूँ, बहुत इंटरेस्ट था। ये रिजल्ट्स हैं बच्चों इस पोल के। देखो बच्चों इसमें जो आप पहली गलती करोगे वो तो यही है कि आप यही सोचते रहोगे कि हाँ जी ग्राफ कौन सा है, ठीक है,
आप ध्यान से देखो, आपके ग्राफ में y एक्सिस पे t दिखाया हुआ है और x एक्सिस के ऊपर s दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मतलब अगर आप इसको इमीडिएटली ऐसे विजुलाइज ना कर पाओ तो आपको s और t ग्राफ मतलब इसको s को ऊपर करके बना लेना चाहिए, मतलब ग्राफ रोटेट कर लो, ठीक है। मतलब वो मेंटली कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वो मैथ में भी तो आप ऐसे क्वेश्चंस करते ही हो, और नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, पूरा ऐसे बना लो। तो जिन लोगों ने आंसर डी मार्क किया था उन सब ने तो ये गलती की थी कि आपने रोटेट नहीं किया था, आपने ये सोचा कि टाइम पीछे को जा रहा है, तो टाइम पीछे को नहीं जा रहा था, वो ग्राफ घुमा के दिया गया था आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें कि आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो रही है, फाइनली जीरो से स्टार्ट हुई और जीरो पे ही पहुंच गई। इससे क्या कंक्लूड हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है बच्चों, राइट। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब यहां कौन सी ऑप्शन आएगी, सी ऑप्शन। आगे समझ, ठीक है। एक एक बच्चों मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, ठीक है, आगे के लिए भी याद रखो। स्टेज वन के पेपर में ना मतलब शॉर्ट शॉर्ट नहीं बट अभी तक जितने पेपर हुए हैं मैं उन सब के लिए बता रहा हूं कि अभी भी none of these या ऐसी ऑप्शन जो होती है ना कि impossible वाली, ये कभी आंसर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो मार्क करना ही नहीं है आपने, मतलब आई एम टेलिंग यू फॉर द केस जहां पे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे और आपने गैस ही मारना है, तो प्लीज none of these वाला गैस नहीं मारना, ठीक है। ओके, मेरे पास से क्वेश्चन आया है कि क्या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जीरो होती है, बताओ बच्चों। यस सर। एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, देखो इसीलिए मैंने एक कांसेप्ट बताया था आपको आज, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है, कि अगर आप पूरी ड्यूरेशन ले लोगे तो बॉडी जहां थी वहीं वापस आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे तो बॉडी मूव कर ही रही है। तो एक पूरे चक्कर की एवरेज जीरो है, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एग्जैक्ट 2 मिनट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज घर पे करना।
लास्ट 30 सेकंड्स बचो. ओके देखो बच्चों, बड़े ही वेरिड आंसर्स हैं इसमें सबके. ये रिजल्ट्स थे देखो, 40%, 16%, 20%, 24%. अब देखो इसको करना कैसे था. सबसे पहले तो सिचुएशन समझो बच्चों क्या हो रहा है. हमें कहा है कि एक पैराशूटिस्ट को पहले 50 मीटर्स तो वो ऐसे ही गिर गया, ठीक है. फिर जब पैराशूट उसने ओपन किया उसके बाद वो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की डी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, जिससे कि वो ग्राउंड पे फाइनली 3 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से गिरा. हमें पूछा है कि एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब उसने इनिशियली कितनी हाइट पर जंप किया था. तो आप बच्चों सबसे पहले तो इस सिचुएशन को ड्रॉ करोगे कि क्या हो रहा है, कि भाई पैराशूटिस्ट ने सबसे पहले तो ड्रॉप किया अपने आप को जहां पे उसकी वेलोसिटी हुई जीरो. अब वो 50 मीटर्स गिरा और अभी यहां पे कैसे गिर रहा है, ये फ्री फॉल है. मतलब अभी यहां पे एक्सेलरेशन क्या हुई बच्चों, सो 9.8 मीटर पर सेकंड. हाँ जी, है ना. फिर उसके बाद हमें कहा है कि यहाँ पे एक 50 मीटर्स गिरने के बाद उसने अपना पैराशूट ओपन किया और फाइनली वो ग्राउंड पे गिरता है 3 मीटर्स पर सेकंड से. और जब पैराशूट से वो गिर रहा है तो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट कर रहा है. ये जो डी एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, रिटार्ड कर रहा है. तो मतलब ये एक्सेलरेशन है और फिगर बच्चों सबको समझ आ रहा है, ठीक है. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप तीन पार्ट्स में ब्रेक, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो मोशन को, ए टू बी और फिर बी टू सी. पहले हम ए टू बी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे जहां पे आपका यू है जीरो, ठीक है. एक्सेलरेशन बच्चों मैं सीधा -10 पुट कर रहा हूं और एस जो है आपका वो 50 है. तो यहाँ पे आप थर्ड इक्वेशन लगाओगे, v स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन 10 नहीं आना चाहिए, +10. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो, ठीक है. आप जैसे भी करते हो इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. दोनों तरीके से निकाला जा सकता है आंसर, ठीक है. तो आपके ये क्या है, हर किसी के स्कूल में अलग अलग तरीके से बताया गया होगा, तो बोथ आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको पॉइंट्स में निकालना ही नहीं चाहिए. सी ये भी एक बात सीखने वाली थी यहाँ पे, जान के मैंने यहाँ जी की वैल्यू नहीं दी थी कि 9.8 लें या 10 लें. आप देखो ऑप्शंस कितनी दूर दूर है, तो हमें क्या फर्क पड़ता, तो हमें ऑब्वियसली आसान वाला ही लेना चाहिए, isn't it? तो यहां से बच्चों वी क्या आता है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितना निकालिए, 2 × 10 × 50,
सर 10 रूट 10 10 इनटू 10 रूट 10 तो भी 10 रूट 10 आ गया ठीक है। अब आप लगाओगे बी से सी में, तो बी से सी में आपका यू है 10 रूट 10, वी आपका है 3, ए है आपका -2 ठीक है, क्योंकि वो डी एक्सेलरेशन हो रही है। तो अब आप फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s अगेन, हाँ मतलब जो भी आपका मन हो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है आंसर। सर सर जैसे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड के नीचे एक्ट करी है और 2 मीटर सेकंड ऊपर एक्ट करी है तो सर रिजल्टेंट 8 मीटर पर सेकंड के नहीं नहीं नहीं, ये जो 2 है वो नेट है, आपको तो क्वेश्चन में ये कहा है कि अब वो 2 से गिर रहा है तो वो नेट है ठीक है, ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ पैराशूट ने उसको 2 की दी है ठीक है जी। तो यहां से बच्चों निकालना फटाफट, एस क्या आ गया, ये 250 आ जाएगा एस यहां से ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 250 प्लस 50 मतलब 300 के आसपास वाली ऑप्शन बननी चाहिए थी जो कि ए ऑप्शन है ठीक है। वो एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जी को 10 ले लिया, 9.8 लेते तो एग्जैक्ट आ जाता ठीक है जी। तो ये बच्चों जो मोशन चैप्टर है आपका, इससे जनरली मतलब इतना अगर आपको जितना मैंने बताया है इतना कर लो तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जनरली अगर हम पिछले सालों का ट्रेंड देखें तो 2 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा फोर्स, वो इससे भी छोटा है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है वो, और उससे भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं ठीक है। तो फोर्स चैप्टर में जो चीजें समझने वाली हैं बच्चों वो बहुत ही थोड़ी सी हैं, जिससे कि आपके सीधा 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं ठीक है। इनके लिए बच्चों आपको एक मटेरियल मिलेगा जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है, वो सेंड होगा आपको। तो फोर्स में बच्चों जो हमने बात समझनी होती है सिर्फ न्यूटन्स लॉज हैं बेसिकली जो हमारे को अच्छे से करने होते हैं ठीक है। तो वो आप सबको पता है कि देयर आर 3 लॉज जिनको मैं एक बार आपको ब्रीफली समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, A body in motion tends to remain in motion. उसका देखो आपने क्या याद रखना है बच्चों, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, दिस इंप्लाइज 0 फोर्स ठीक है। तो इसको जैसे मर्जी कह सकते हो कि भाई अगर वो यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में है तो 0 फोर्स है, या फिर उल्टा कि अगर एक बॉडी पे 0 फोर्स लग रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में ठीक है। ये याद रखना बच्चों कि दोनों केस पॉसिबल होते हैं, कई बार हम जल्दबाजी में ऐसे बोल देते हैं कि रेस्ट पे ही होगी बॉडी ठीक है। जो फर्स्ट लॉ होता है बच्चों उसी से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इनर्शिया की ठीक है। इनर्शिया क्या होता है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, resist change in motion, tendency of a body to resist to change its state of motion. तो जो motion में है वो motion में रहना चाहती है ठीक है, तो इसको yes we call it as tendency to resist motion. तो first law के basis पे बच्चों सिर्फ theoretical questions बन सकते हैं ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे एक अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉडी इज एट रेस्ट
और उसके ऊपर देखो बच्चों फोर्सेस ऐसे लग रही हैं। और एक ये एफ है, तो बताओ एफ कितना होगा? 8 न्यूटन। 8 होगा है ना? Yes, अभी जो नेट फोर्स होएगी वो 0 बनेगी, राइट नहीं भाई लेफ्ट। 8 तो लेफ्ट की तरफ ही लगेगी ना, तभी नेट 0 बनेगा। देखो आप 10 राइट को और 10 लेफ्ट को, कौन के बचाऊं? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। हाँ यस, नेट फोर्स 0 करनी थी हमें। फर्स्ट लॉ के बाद आता है बच्चों सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ यस, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड लॉ कहता है बच्चों, देखो फर्स्ट लॉ कहता है कि जब जीरो फोर्स थी तो क्या हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में। सेकेंड लॉ कहता है कि जब फोर्स 0 नहीं है तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आएगी। तो हम कहेंगे कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है एफ नेट बच्चों, जैसे फिर से वही हम अगर एग्जांपल लें कि मान लो 10 इधर को है फोर्स, 4 न्यूटन ऐसे लग रही है, और जो इसका मास है वो 2 kg है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? 3 m/s² हाँ, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। अब नेट फोर्स क्या बन गई, 10 - 4/2 जो कि बन गई 3 m/s². ठीक है, जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है जिसके बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं सेकंड लॉ वाले, वो है कि अगर आप लिख दो एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू, अब ए को भी जो अभी हमने समझा था उसकी टर्म्स में लिख दो, वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि इसमें आपका मोशन भी चेक हो गया और आपका फोर्स का कंसेप्ट भी चेक हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में, और आप सोचो तो है कितना आसान, सब कुछ वही तो करना है, बस उसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, एक बच्चों बात और याद रख सकते हो कि फोर्स के सीजीएस यूनिट्स क्या होते हैं? डाइन। और जो 1 न्यूटन होता है बच्चों, दैट इज 10^5 टाइम्स। ठीक है, तो बार बार ये इतनी सी बात यूज होनी होती है बच्चों, जैसे मैंने पहले बोला कि एफ नेट इज इक्वल टू एम इनटू वी माइनस यू बाय टी। फिर आता है बच्चों थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की बच्चों आप सब स्टेटमेंट बोलोगे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? इसको ऐसे याद रखोगे तो हमेशा गलती होगी, इसको ऐसे नहीं याद रखना। सर शो प्रीवियस क्लिप, कैन यू शो? थैंक यू। हमने बच्चों इसको ऐसे बोलना है कि अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, कि इफ ए अप्लाइज एफ ऑन बी देन बी ऑल्सो अप्लाइज इक्वल एंड ऑपोजिट एफ ऑन ए। ठीक है, प्लीज डोंट रिमेंबर इट एज एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उससे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, उससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपके जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो इस तरह से जब आपने लिखा होगा तब होंगे।
तो बच्चों जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट पिछले साल लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, सुनना ध्यान से, वो ये था कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ जिन दो फोर्सेस की बात करता है वो सेम बॉडी के ऊपर लगती हैं या डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगती हैं? डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज, बॉडीज है ना, बस इतना से बात है जो हमने समझनी है। ठीक है, अगला बच्चों कंसेप्ट आता है मोमेंटम। मोमेंटम बच्चों डिफाइन होता है एज एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसके यूनिट्स बन जाते हैं केजी मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम एज वेलोसिटी, सेम एज वेलोसिटी। एक बच्चों और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो जनरली आपको कहीं पे नहीं पढ़ाई जाती, वो ये है कि ये मोमेंटम आया कहाँ से है। मोमेंटम बच्चों एक्चुअली इनर्शिया से ही आया। हम कहते हैं ना कि इनर्शिया क्या है, कि टेंडेंसी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो जो मोशन वाले टेंडेंसी होती है, जो मोशन में रहने वाली टेंडेंसी होती है, उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बच्चों क्या होता है कि जो हमने सेकंड लॉ न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। यस यस, तो जो हम लिखते हैं बच्चों एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब ये एम वी क्या बन गया? एम ए, फाइनल मोमेंटम। एम यू क्या बन गया? इनिशियल मोमेंटम। अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहां से हमारे पास ये आता है बच्चों कि अगर फोर्स जीरो है तब जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू, जैसे आप देखोगे मैं एफ को जीरो कर दूंगा तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो बन जाएगा, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे होते हैं जहां पे एक बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही होती, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, हम मोमेंटम इक्वेट कर देते हैं कि जितना फाइनल मोमेंटम था उतना ही इनिशियल मोमेंटम। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों मैं आपको। ये बच्चों आंसर करो फटाफट, क्या आएगा? इनर्शिया। ये ट्राई करो बच्चों फटाफट।
ओके क्या करोगे बच्चों इसमें भाई, एकदम पढ़ के पता चल रहा है एम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो फोर्स पूछिए, तो एकदम माइंड में तो कि हम वो लगा दें एम इंटू बी माइनस यू बाई टी ना, लेकिन टी नहीं दिया हुआ हमें, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो क्या किया जाए? बोलो भाई क्या किया फिर? So we can find change in momentum, impulse. नहीं बट आपको उससे क्या करोगे, आपको तो फोर्स पूछिए ना सर, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. हाँ आपको थर्ड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है? आप समझो बात, अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो इसके लिए आपको टी चाहिए. अब टी तो है नहीं आपके पास, उसके लिए अब आप क्या करोगे कि भाई आपके पास U है, आपके पास V है. ये मैं जान के डाला है क्वेश्चन ताकि हमारे वो कई कंसेप्ट्स को रिवाइज करवा दे. U है, V है और S है, इससे क्या निकाल सकते हो बच्चों? A, ठीक है. फिर A को आप V माइनस U बाय T पुट करोगे, उससे T निकलेगा और वो T यहाँ पुट होगा. सर यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर लेंगे. यस. यस आई विल बी शेयरिंग दिस पीपीटी इन द ग्रुप, ठीक है? आया समझ जाचो? इससे क्या आंसर आता है कोई बताएगा मुझे? बी आता है, सी आता है? सी. बी आएगा, बी आएगा. ओके चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, लास्ट. पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दो. ये नहीं सर, इसके अगला. देखो ये बता दिया मैंने, बस अब तो एक कैलकुलेशन करनी है, ये आप कर लेना. कोई आंसर नहीं आ रहा उसमें. आएगा, बिल्कुल आएगा. आपका फ्रैक्शन में 5/12 × 100 × 100 बनेगा. Yes, sir, तो 3 से तो डिवाइड नहीं होता, 417 कैसे आ गया? Approximate. ठीक है? इतना वो मत सोचा करो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, approximately आता होता है आंसर. कई बार उन्होंने पॉइंट्स वगैरह राउंड ऑफ किए होते हैं, ऑप्शंस हैं इतनी दूर दूर. सीधा दिख रहा है ना कि 4 से ही कुछ बड़ा आएगा. ओके ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों. I'll do one thing. मैं जो PPT आपसे शेयर करूंगा ना, मैं उसमें पूरा सॉल्यूशन लिख के शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसको देख लेना.
हाँ बच्चों ठीक है, जिन्होंने चैट में आंसर किया ठीक है सबका। बस ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन ही है। तो अब क्या हुआ, जो बुलेट है वो 0.1 केजी की है, वो 100 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। यस रिकॉर्डिंग विल आल्सो बी अवेलेबल। और जो गन है हम कह रहे हैं, जो आपके वो बैच कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने आपकी एडमिशन की होगी उनसे कॉन्टैक्ट करो प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट क्या लगेगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियली तो मोमेंटम जीरो ही था, बुलेट गन के अंदर थी और दोनों रेस्ट पे थे, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया 100 इंटू 0.1 माइनस गन का मोमेंटम 50 इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि गन की वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में होगी, इसलिए उसको माइनस में लिखा हमने। क्लियर बच्चों, ओके। तो बच्चों आपके ग्रुप पे एक तो ये पीपीटी आएगी, एक रिकॉर्डिंग का लिंक आएगा, और एक बच्चों शीट आएगी जिसपे मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपने उसमें जो हमने दो चैप्टर्स आज किए हैं, मोशन और फोर्स, ठीक है, उनके क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं, ओके। बाकी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, और कोई डाउट हुआ वो भी आप ग्रुप पे भेज सकते हो। चलो ओके बच्चों, गुड इवनिंग सर। Thank you. Bye.